डर तो मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर तो मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल आती गई मेरे पास मेरा हौसला देखकर। तो साथियों, अगर हौसला रखते हो ना तो मंजिल को आपके पीछे आना पड़ता है, आपको उसके पीछे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन हौसला को बना के रखना, कभी नहीं खोना उम्मीद, अंतिम उम्मीद नहीं छोड़ना कभी, एक बार और कोशिश करना बस। चलिए तो हम भी कोशिश करेंगे। अब पार्ट नंबर 32 क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ आप पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम, यानी कि मार्च 2020 में ये समय सुबह 7 बजे से चल रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं पीवीआर स्टडी प्रयागराज पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आप अगली क्लास में भी अपना दर्शन दे सकें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल ऑफ गिवन फिगर। नेम द एंगल ऑफ गिवन फिगर, इसको हिंदी में समझ लो, कुछ लोगों के उड़ रहा होगा ऊपर से। तो इसे ये कहते हैं कि दिए गए चित्रों को देख करके कोणों के नाम लिखिए। अब कोण नाम आपने सुना होगा, वैसे तो किसी को सुन के मुसीबत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने पीछे क्लास में पढ़ा था, मैंने कई बार पढ़ाया कोण 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 क्या होता है। जहां पर दो रेखाएं आकर के मिलती हैं वही कोण बनता है, कहीं भी मिला दो इनको, ये जहां दो का संगम होता है ना वहीं पर कोण बनता है। तो बस ये जान लो, जहां पर दो भुजाएं आके मिलती हैं उसे कोण कहते हैं। तो इसमें कोणों के नाम लिखने को कह रहा है, तो कोणों के नाम लिख दो ना फटाफट। क्या है देखो, आपके सामने दिखा रहा कहां कहां मिल रही दो भुजाएं। आप लोग कहोगे कि कोण ए बी सी डी ये सभी कोण हो गए। हाँ हो तो गए, लेकिन इसमें कुछ विडंबना है, उसको भी हमें देखना पड़ता है। वो ये देखना पड़ता है ना, देखो वो ये देखना पड़ता है कि अगर आप ए को कोण लिखने वाले हो, किसको, ए को, तो ऐसा नहीं कि शादी कर लोगे और मित्र को न्योता नहीं दोगे, बाराती ना ले जाओगे, ले जाना पड़ता ना। तो वैसे यहाँ भी है, आप इसका नाम तो चुप्पे से ए नहीं लिख सकते हो अकेले, कैसे इन सब को शामिल करोगे भाई। ये अकेले कोण तो नहीं बना ले रहा ना, ये भुजा यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ से शुरू हो रही ना, तब तो यहाँ आके मिल रही है। तो आप सभी का नाम लिखोगे, कहाँ से शुरू हो रही, चलो मैं मानता हूँ यहाँ से शुरू हो रही, तो बी ए डी, क्या है बी ए डी, ये पहला कोण हो गया। अब अगर हम बात करें बी के लिए, हमें बी को क्या दिखाना है, कोण दिखाना है, तो इसके लिए क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। देखो इसे बी ए डी मैंने लिख दिया, इसे आप डी ए बी भी लिख सकते हो, कुछ लोगों को मुसीबत नहीं होनी चाहिए। हमने माना कि ये भुजा यहाँ से शुरू हो रही, तो मैंने बी पहले लिख लिया। अगर आपके उत्तर माला में देखोगे तो डी ए बी दिया है, तो आप इधर से भुजा शुरू करो, इसको डी ए बी भी लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ अगर इसके लिए बात करेंगे तो चाहे आप इसे ए बी सी लिख दो कोण, चाहे सी बी ए लिख दो, दोनों सही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन सीधा सीधा लिखें कोण ए बी सी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में देखने में ना। तो ये हो गया। कोण सी की अगर बात करें साथियों, तो देखो कोण सी तो यहाँ बन रहा है, लेकिन शुरू यहाँ से हो रही है, भुजा बी से शुरू हो रही है, डी से हो रही है, तो इसे बी सी डी लिख सकते हो या डी सी बी लिख सकते हो। तो भाई सीधा सीधा लिखो बी सी डी, काहे उल्टा पुल्टा करें, है ना, डी सी बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ए डी सी या सी डी ए भी लिख सकते हो, तो कोण ए डी सी, इस तरह से इसमें चार कोण बन रहे हैं, आपने लिख लिया, बात समझ गए ना। तो लिख लो फटाफट, उतार लो यार, चलो। और जो क्लास को लाइक नहीं करते ना वो महा ही अच्छे इंसान है, लेकिन हाँ ये अच्छीयत बनाए रखना यार, लाइक जरूर करना, लाइक कर दो ना यार। अच्छा एक बात बताना कमेंट करके, जो अब दिख रहा है ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा है क्या, बोलना हाँ अच्छा, हाँ अच्छा है, ये लिखना बस, हाँ अच्छा है, ठीक है। और अगर गड़बड़ होगा, नहीं पहले ठीक था, ये पूरा बात लिखना, ठीक है। चलिए, कह रहा इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, दिए गए चित्र में पॉइंट का नाम लिखिए, कौन सा पॉइंट है वो, पहला इन द इंटीरियर ऑफ कोण डी ओ एफ। इंटीरियर मतलब होता है क्या, होता भाई इंटीरियर मतलब अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। तो कोण डी ओ एफ के अंदर में कोई पॉइंट है बताओ, डी ओ एफ के अंदर में कोई पॉइंट है तो फटाफट बता दो जल्दी से, कौन है डी ओ एफ। देखो ओ है ये, ये देखो डी है, ये ओ है, ये एफ है, तो देखो डी ओ एफ इसके बीच में कुछ आता है तो वो क्या है, देखो आपके सामने क्या आ रहा है यार, या इसमें कहीं एक बिंदु और भी था, आपने नहीं लिखा क्या उसको, एक पॉइंट और भी था, एक मिनट रुकना मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यार रुकना बस, इसमें था ए, यहाँ पर क्या था, ए था, ठीक समझ गए ना। तो इसके बीच में जो मैंने कहा आपको कोण डी ओ एफ, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है तो क्या है, वो ए है भाई, ए है ना, इसके अंदर में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के पूरे अंदर में कहीं बिंदु है तो क्या है,
ए है, बाकी बी भी है या ई भी है, लेकिन ये रेखा पर है, अलग से नहीं है। लेकिन अगर ऐसे देखोगे सिंपल में तो ए है ना। तो इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा, बस ओनली ए और कुछ नहीं, ठीक ना। तो इसको आप लोग फट से लिख लो, फिर हम अगले पे बढ़ते हैं यार। अगला कह रहा है पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ कोण ईओएफ, ईओएफ के बहिर्भाग में, मतलब बाहर। इसे हिंदी में भी समझो तो अच्छा रहेगा, और भागना मत यार, समझने की कोशिश करोगे तब आएगा। मैथ है ये, ये मत सोचो कि ऐनी बैनी हो रहा है, भाग जाए ना, देखें देखोगे तभी आएगा, ट्राई करोगे वरना कभी ना आएगा मैथ फिर। तो फिर ऐसा मत करो, देखो जरूर। बी ओ एफ के वही भाग में क्या स्थित है? बी ओ एफ, बी ओ एफ वही भाग में, मतलब इसके बाहर। बी यहाँ है, ओ यहाँ है, एफ यहाँ, मतलब ये ऐसे बन रहा है। इसके बाहर क्या है? देखो सी दिख रहा है ना, बाहर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, सी बाहर है। और भी तो कुछ है, केवल सी अकेले है। देखो ये से देखो, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, इधर देखो सी है, इधर ए है, इधर डी भी तो है ना। तो कौन कौन से हैं? सी ए डी, सी ए डी, कामा लगा लगा के लिख देना, सी ए डी। ये बी ओ एफ के बाहर है, वही भाग में है, मतलब अंदर में नहीं। अगर अंदर में यहाँ जैसे पी है ना, अगर ऐसा बोलता तो पी इसके बाहर भाग में नहीं है, पी इसके अंदर में है, इंटीरियर पार्ट में है। ऐसे अगर देखो तो देखो अंदर में ना ये, तो ये बात है, ये ज्योमेट्री है बेसिक। कोशिश करोगे तो आएगा यार, वरना फिर कभी ना आएगा। अगर ना ट्राई करोगे, भागोगे तो फिर लाइफ टाइम भागते रहोगे, इसलिए क्लास को छोड़ना मत। अगला कह रहा है आन कोण ई ओ एफ, ई ओ एफ पर कोई बिंदु है? चलो देखें, ई ओ एफ, ई ओ एफ बोलो है कोई बिंदु? उसके ऊपर हो, अंदर बाहर में नहीं है। देखो ये बी है ना, तो क्या है? बी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्या खत्म हो गया ना। लेकिन अभी इतने से ही खत्म नहीं हुआ यार, अभी तो इसमें और भी बहुत कुछ है ना, और भी बहुत कुछ तो है। देखो ई ओ एफ पर बी तो है, ओ भी तो है भाई। देखो ई ओ एफ मतलब इस लाइन पर पूरा पूरा क्या क्या है। देखो इसको थोड़ा सा रेड में कर देता हूँ, ध्यान दो, ये ई ओ एफ, इसके बीच में जो ये लाइनें जा रही हैं, उन लाइनों पर क्या क्या स्थित है सब लिखना है। तो भाई बी तो है ही, ओ भी है, देखो ई भी है, एफ भी है, तो बी है, ई है, ओ है, एफ है, ये सभी है ना। देखो यहाँ से अगर रेड लाइन शुरू करो, ऐसे ऐसे जाओ, देखो ये जो पॉइंट पॉइंट हैं क्या क्या है, सब का नाम लिखना है जहाँ जहाँ भी मिल रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है, दूसरा वाला साथियों। इसमें एक क्वेश्चन और है तीसरा, जो कि थोड़ा सा समझने लायक है, बाकी फिर ख़त्म होता है। तो आप लोग ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है ये सब, कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे तो बहुत मज़ा आता है, नहीं कमेंट करोगे ना तो फिर गड़बड़ है यार। कमेंट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हम आपको और भी क्लास दे सकें। तो इतना करो ना यार, कौन रोका है, करो ना इतना प्लीज़।